हेलो एवरीवन, दिस इज़ मदर शर्मा के शुरू हो गया है, पूजा वगैरह शुरू हो गया है सभी पंडालों में। और किसी कारणवश जो है, आप देखे होंगे कि आज हड़ताल था, कल हड़ताल इस तरह से चल रहा था सफाई कर्मियों का। और ये मैं अभी आपको पोस्ट ऑफिस रोड यहां से स्टार्ट होता है बाटा रोड से, यहां का दिखा रहा हूँ सीन। यहाँ पर मोहल्ला वासी जो है वो लोग खुद सफाई कर रहे हैं, अपने जो मोहल्ला की जो सफाई है, मतलब कि नगर पालिका के द्वारा नहीं किया गया है, खुद कर रहे हैं सफाई। और ये पूरा रोड में कचरा जमा था, आप लोग देखे होंगे कि यहाँ तक पूरा कचरा जमा था। सफाई नहीं होने के कारण इतनी बदबू हो रही है और पूजा स्टार्ट हो गया है। अभी जितने भी लोग इधर से गुजरेंगे वो इधर से जाते हैं, आगे भी पंडाल है, दो तीन पंडाल आगे जा करके टच होता है। खुद मोहल्ला वासी लोग जो है मजबूरी में फावड़ा लेकर के और कुदाल लेकर के खुद से सफाई कर रहे हैं, और इसमें बुज़ुर्ग लोग भी हैं, वो लोग भी सफाई कर रहे हैं। मतलब स्थिति इतनी दयनीय है कि लास्ट में खुद से सफाई करना पड़ रहा है। तो ये चमकता चक्रधरपुर के मुंह पे एक ज़बरदस्त तमाचा है, जो हम लोग एक मुहिम चल रहा था कि चमकता चक्रधरपुर, वो ये चमकता चक्रधरपुर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। लास्ट में मोहल्ला वाले खुद ही यहाँ पर आ करके सफाई कर रहे हैं। तो ये तो स्थिति है और ये आप देख रहे हैं। और ये सिर्फ बाटा रोड या फिर पोस्ट ऑफिस रोड की हाल नहीं है, ये पूरा शहर का हाल है। आप शहर में देखेंगे तो हर तरफ गंद, और इस तरह से जो है, ये मैं कहूँ यहाँ पे इतनी गंद, मतलब गंद आ रहा है कि यहाँ पे लोगों का खड़ा होना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे डटे हुए हैं और काम, मतलब सफाई में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कल से जो है आगे पंडाल है, लोग जाएंगे, पूजा करेंगे। और जो इस जी कल सुबह 6:35 में बेलवरण के लिए हम लोग घाट जाएंगे। हाँ हाँ जी जी, इसीलिए इसी रास्ता से हम लोग को जाना जी। तो अच्छा भैया, अब जब बात स्टार्ट हो गया तो थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, बात कर लेते हैं ना। हम ये मतलब जानना चाह रहे थे कि सफाई जो है ऐसे हो जाता है नॉर्मली, है ना? अभी हम देख रहे हैं कि आप लोग खुद हाथ में झाड़ू उठा करके लगे हैं। 25 में बेलवरण के लिए घट जाना है जी, के लिए पानी जाना जी जी। इस प्रकार से हम लोग किस तरह से जाएंगे? हाँ हाँ, इसीलिए हम लोग बोले कि भाई चलो कम से कम। तो आप लोग नगर पालिका वगैरह में कोई 3 दिन से चीज बोल रहे हैं, कल रात में भी नगर पालिका वाला सब आया था जी, कल मंदिर तो उठाया जानते हैं। हाँ कमल भाई, पालिका का मेन हीरो है हरिजन भाई लोग, मेरा जी उन लोग को पेमेंट मिलेगा तब ये ना काम करेगा। हाँ गलती तो कहीं ना कहीं जो है ऊपर से ही हो रहा है। हाँ हाँ, चूल्हा नहीं जल रहा है जी। साल का मालूम है हमारा महापर्व है, दुर्गा का आगमन है जी, उसमें उसको ना ही पैसा मिल रहा है जी। हाँ पैसा मिलेगा तब ना, वो भी मालूम अपना बाल बच्चा का कपड़ा लेगा, कुछ सामान लेगा, उसको देने का तो सरकार के पास पैसा नहीं है। खाली घोटाला पे बोलिए ना, घोटाला बेहिसाब। कहीं रोड बना रहे हैं, 1-6 महीना नहीं चलता बोलता रोड खत्म, फिर से टेंडर पड़ेगा। क्या है भैया, जिसको पैसा मिलना चाहिए उसको तो पैसा मिल नहीं रहा, वो बेचारा हरिजन भाई लोग मेरा, ये सब बेचारे लोग, यहाँ यदि सुअर मर जाएगा तो उसको साफ करता बेचारा हरिजन भाई, बाकी उसको पैसा नहीं मिलता। ब्रिज के ऊपर 4-4 महीना, 4-4 महीना से ब्रिज के ऊपर 4-4 महीना से बाकी है पैसा, 4 महीना से कम से कम 2-3 महीना मिल जाए भैया। आदमी रेलवे में देखिए साल में एक बार बोनस मिलता, बाकी उसको बोनस नहीं मिल रहा। हाँ जैसा कि मतलब कि कमल भाई बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर सफाई वगैरह करते हैं हमारे नगर पालिका में, जो भाई लोग हैं सफाई कर्मी लोग जो हैं, हाँ ये बाटा रोड का भी दुकानदार का बुद्धि नहीं है कि कचरा कहीं और डस्टबिन में फेंके, वो लोग रोड में कचरा फेंके किसी रास्ते, एक डस्टबिन लगा हुआ है, डस्टबिन खाली नहीं होगा तो कचरा, डस्टबिन खाली रहेगा तो कचरा भरेगा, डस्टबिन भरती है और तो कपड़ा से कचरा फेंक रहा है तो कचरा बाहर। अभी अभी यहाँ का डस्टबिन कहाँ गया? अच्छा पूजा का लेकर के डस्टबिन को हटा दिए हैं। पब्लिक कोई बुद्धि नहीं है रोड में, मेरा कल तो भाई लेकर लिए कोई ध्यान नहीं है, कोई सिर्फ कुछ तेरा का मालूम है, जिस तरह उस लोग को मिलना चाहिए। यदि कल दिन मालूम है ऐसा होता है तो मालूम है वो लोग जो किया स्ट्राइक किया एकदम सही किया, कम से कम प्रशासन इसके बारे में समझना चाहिए नगर पालिका को। मेरा भी उसका भी तो बाल बच्चा है, आपका बच्चा एसी में रहेगा, उसका बच्चा खाना खाने लायक नहीं है क्या? उसको खाने के लिए 2 पैसा के लिए मालूम 4-4 महीने से बेचारे लोग मालूम घर उसका चूल्हा मालूम नहीं जल रहा, सोचना चाहिए रोड में खाने, बाकी कुछ देखने का नहीं। यही कारण है आज मालूम मेरी माँ मालूम है कल आएगी जी बेलवरण होगा जी, उसको मालूम है कल हम लोग खुद कर रहे सफाई और करते रहेंगे, सब तो
कार्यक्रम हमारा चल रहा है, हम इसको आज 15 दिन पहले ही बोल चुके हैं। मालूम है भाई लोगों के लिए मैं एडीओ साहब से अनुरोध करता हूं कि इस चीज का कार्य के लिए जरूर से जरूर इसके प्रति निर्णय लिया जाए। और क्योंकि सबको दिक्कत हो रही है और पूजा पंडाल में अभी दुर्गा पूजा के चलते जो भी दिक्कत हो रही है इसको जल्द से जल्द साफ कराया जाए। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, एडीओ साहब से आपसे नम नम निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको साफ कराया जाए भैया। अभी जैसे दुर्गा पूजा है उसके बाद फिर दिवाली लगेगा, मतलब रेगुलर जो है लाइन से कोई ना कोई दुर्गा पूजा दिवाली और छठ जी छठ तक आपको पर्व के लिए आपको तैयार बांट का हूँ। मेरा घर पास में है, यहाँ पे 12 महीना कचरा रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने यहाँ के ठेले वाले गुपचुप वाले हैं, जितने होटल है चाहे रेस्टोरेंट वाले हैं, सारे लोग कचरा ही फेंकते हैं। जितना अपना खाना है गंदगी सब यहीं फेंकते हैं। यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए जगह में जो बिल्कुल। ये बाटा रोड जो है शहर का सबसे खूबसूरत जगह माना जाता है, सबसे ज्यादा रश होता है यहाँ पे। और उस जगह पे अगर ऐसा अगर गंदगी देखने को मिल रहा है तो ये चमकता चकरधरपुर के नाम पे कलंक है, सीधा सी बात है। मेन बाजार टाउन का देखिए ये नाली है, नाली का हल देखिए आप, नगर पालिका आज तक इस नाली का लेके कोई तरह का टेंडर नहीं निकाला है। देखिए मेन टाउन का नाली है, देख सक रहे कि अब ये नाली कितना साल से काम नहीं हुआ है। हम लोग और भी यहाँ एक दो जगह है रेस्टोरेंट का पानी गिरता, हम लोग नगर पालिका में 4 बार एप्लीकेशन दिए है मोहल्ला से सबसे साइन करा के। किस बिल्डिंग? और देखिए उस बिल्डिंग से पानी गिरता है, अमर कॉम्प्लेक्स दिन रात वहाँ के रहने वाले लोग अभी पूजा या नहाने के लिए पूरा गंदा पानी। वहाँ एक बिल्डिंग है, क्या प्रॉब्लम है? आप बार बार हमको 2-4 बार कॉल भी किए हैं। देखना चाहते हैं तो आपको अभी हम लोग हाँ चलेंगे, हाँ वहाँ भी चलेंगे, उसको भी हाँ यहाँ से कवर करके आने जाने वाला इंसान को बहुत तकलीफ होती है। हाँ ठीक है, वही सवाल को 5 बार फोन किया गया उसके बाद भी उसने नहीं बनाया, भी बहुत दिक्कत बोले पूजा त्यौहार है घर का, लेडीज लोग पार होती है उसके बाद भी नहीं बनाया। महिला वाला सब पार होती है वहाँ से, देखिए पानी वहाँ से चूता है। अगर देखिए 5 बार नगर पालिका में कंप्लेन, गलत चीज के लिए नहीं बोल रहे, वही है। तो अभी ये आप लोगों का क्या प्लान है, इसको कितना सफाई करना है या फिर अगर हम लोग रोड पालिका अपने तरफ से अगर इसको आके हटाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपने तरफ से इसको हटा के कहीं किनारे में रख देंगे। इतना कचरा कहाँ रखिएगा, ये तो बहुत ज्यादा कचरा है ना। कल सुबह हम लोग बेलबरन का कचरा उठेगा तो इसको निकाल के तब से हम कहीं ना कहीं तो रखेंगे। कल सुबह तो हम लोग अभी जी जी कल बेलबरन है ना, हाँ कल पहला पूजा हम लोग रोड क्लियर किए रखेंगे ना बस। हाँ वो तो चीज है, तो ये चीज आप देख रहे थे कि ये शहर का बाटा रोड है और यहाँ से पोस्ट ऑफिस रोड शुरू होता है और सबसे ज्यादा मतलब अगर आप कहेंगे तो रश वाला जो एरिया है ये वही है। और ये कचड़ा जो है नाली का कचड़ा जो है निकल करके पूरा यहाँ तक एकदम रोड के तक था, यहाँ तक था। उसके बाद अभी जो है मोहल्ला वासी लोग जो है मिल करके इसकी सफाई कर रहे हैं। चलिए सफाई करना ठीक बात है, लेकिन इस तरह से अगर त्योहारों के टाइम में अगर त्यौहार के टाइम में अगर ये शहर का पवन चौक है और ये कचरा आप देख रहे हैं तो इस तरह से है। और भैया कि अगर ये नाली को साफ नहीं किया जाता है, हम लोगों का जैसे आगे साल भी पूजा बैठा था, बारिश के वजह से पंडाल में इतना पानी घुस चुका था नाली नहीं क्लियर होने का वजह से। आगे बार भी हम लोग सुबह और अभी भी जो पानी की स्थिति है वो ऐसा पता चल रहा है कि बारिश होने वाला है, दुर्गा पूजा में अभी भी बारिश रह सकता है जैसा कि ये है। और इतना दुर्गंध है कि लोग अगर यहाँ से निकलेंगे, मान लीजिए कि पूजा करके अगर पंडाल को देख करके निकल रहे हैं तो इतना महक रहा है, इतना दुर्गंध है यहाँ पे। हम साहब को बोलते हैं कि सर कम से कम इसको साफ करा दिए, बहुत परेशानी है पब्लिक। अच्छा ये साल भर का है क्या? 12 महीना का दिक्कत है। अच्छा 12 महीना का दिक्कत है। जी जी सर से नम निवेदन है कि सर कम से कम इस जगह को साफ करा दीजिए, इस जगह को कम से कम शांति पूर्वक रखिए, इस जगह का स्थिति बहुत बेदिनी है। ये आप देख रहे हैं ये पवन चौक है, यहाँ से जब आप देख रहे हैं ये पवन चौक है और ठीक मेरे बाएं तरफ ये कचरा का हाल है। तो अगर इस तरह से अगर स्थिति है शहर के अभी तक साफ नहीं हुआ है ये जगह, बताइए अभी तक साफ नहीं हुआ है ये जगह। भैया पेमेंट मिलेगा तभी ना करेगा भाई। अरे पेमेंट मिले नहीं मिले नहीं कि इस जगह साफ करने की जिम्मेवारी किसका, नगर पालिका का? नगर पालिका को यदि नगर पालिका करेगा कि नहीं करेगा, नगर पालिका करेगा कि नहीं करेगा, करेगा जिम्मेवारी उसका, या तो फिर हम लोग का यहाँ का